बसमिलीम अल्लाम अज़ीज़लबा तलबात मैं हूँ प्रोफेसर नासिर और फ़ात नासर और आप देख रहे हैं बहार इलम टी वी अज़ीज़लबा इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एफ़े के ऐसे ईजी सब्जेक्ट्स बताऊँगा जिनको रखने के बाद आप लोग बड़ी आसानी के साथ बी एस मैथ कर सकते हो इसके बाद बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो इसके बाद आप लोग बी एस आई कर सकते हो जी हाँ स्टूडेंट्स बहुत सिंपल और इजी सब्जेक्ट्स हैं अगर आप लोग एफ़ में इन सब्जेक्ट्स को रखेंगे तो आप लोगों का इंशाल्लाह एफए का ही बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाएगा तो तमाम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 600 से कम आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स के 600 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो ये स्टूडेंट्स वीडियो ना देखें अगर वो ये सब्जेक्ट्स रखना चाहते हैं एफ़ में तो रख सकते हैं जैसे सात सौ जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं तो वो ये एफ़ करना चाहते हैं तो वो कर लें ठीक है इसमें हर्ज नहीं है वैसे मैं बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के छः सौ से कम मार्क्स आए हैं और वो बजिद हैं इस पर हमने एफ़ सी ही करनी है या आई करना है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के अंदर जो एफ़ ए में सब्जेक्ट्स बताऊँगा वो सब्जेक्ट्स आप लोग रख लो तो इन शाला आप लोगों का जो एफ़ ए है एफ़ ए आप लोगों का जो है ये एफ एस सी से तकरीबन 80 परसेंट ज़्यादा स्कोप वाला होगा मैं आप लोगों को गारंटी से कह रहा हूँ आप लोग छः सौ मार्क्स लेके मैट्रिक के अंदर आप लोग एफ़ एस सी करते हो जिन स्टूडेंट्स के मैट्रिक में छः सौ नंबर आए हुए होते हैं वो ज़िद कर रहे होते हैं कि हमने या तो आई करना है या हमने एफ़ करनी है और एफ और आई में उनके मार्क्स भले कितने आते हैं तकरीबन चार सौ पचास तक उनके मार्क्स आ जाते हैं चार सौ या साढ़े चार सौ नंबर आ जाते हैं पाँच सौ नंबर आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स इन मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को इतने मार्क्स से जॉब भी नहीं मिलेगी कुछ भी नहीं मिलने वाला आप लोग चाहे आई कर लो चाहे एफ कर लो भाई आज आ, नाम सिर्फ़ मेरिट का है अगर आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप लोगों का नाम मेरिट पे आ जाएगा आप लोगों को जॉब मिल जाएगी तो लिहाजा मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग सिंपल एफ़ ए करो और जो मैं सब्जेक्ट्स आप लोगों को बताऊंगा ये सब्जेक्ट्स रख लो आगे आप लोग बी एस मैथ कर लो बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो बी एस आई टी कर लो तो आप लोगों के एफ़ ए में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे अब देखो छः सौ नंबर आप लोगों के मैट्रिक में आए ठीक है एफ़ ए में आप लोग एफ ए में सब्जेक्ट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों ने सब्जेक्ट्स रख लिए और आप लोगों के सपोज करते हैं 600 से ज़्यादा नहीं नंबर आप ले लिए 600 ही नंबर आप लोगों के एफ़ में आ गए हालांकि एफ़ में आप लोगों के सब्जेक्ट्स ये सब्जेक्ट्स इजी होंगे और आप लोगों के तकरीबन 800 के करीब मार्क्स आ जाएंगे मैं एक आइडिया लगाया है कि आप लोगों के छः सौ नंबर एफ़ में आ गए तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना बी एस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आप बड़ी आसानी के साथ बी एस मैथ कर सकते हो तो अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं वैसे आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए बी एस के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बी एस मैथ कर सकते हो चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी है छोटी यूनिवर्सिटी है तो वो अथेंटिक uh, ही होती है तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की तीन सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी है वो आप लोगों को पता है तीन सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो होता है इंग्लिश तो स्टूडेंट्स इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों ने रखना ही होता है इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होता है उर्दू ये भी आप लोगों ने रखना ही है इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है इस्लामियात लाजमी ये तीन सब्जेक्ट तो आप लोगों ने मस्ट रखने हैं या आप लोग परचेज कर लें ठीक है अब बात जिनकी हमने करनी है वो होते हैं अलेक्टिव सब्जेक्ट्स वो भी तीन ही रखने हैं टोटल छः सब्जेक्ट्स होते हैं इंटर पार्ट वन में वन में और छः ही सब्जेक्ट्स इंटर पार्ट टू में होते हैं और टोटल ग्यारह सौ मार्क्स होते हैं ग्यारहवीं और बारहवीं क्लास के ठीक है पहला सब्जेक्ट आप लोग ने रखना है स्विक्स स्टूडेंट्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है आप लोग रख लेते हो एजुकेशन एजुकेशन भी रख सकते हो लेकिन एजुकेशन जो होता है ना बहुत ही खुश्क मज़मून है बहुत ही डिफ़िकल्ट मजमून है आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ना स्विक्स रखो जैसे पाक स्टडी है ना सेम इसी तरह ये स्विक्स सब्जेक्ट है बहुत ही इजी है दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों ने रखना है मैथ और तीसरा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने रखना है पंजाबी पंजाबी सब्जेक्ट आप लोगों ने रखना है इसकी जगह पे आप लोग फारसी भी फारसी भी रख सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा पंजाबी पंजाबी आप लोग सेल्फ़ भी पढ़ सकते हैं रख के ठीक है स्टूडेंट्स ये तीन सब्जेक्ट्स आप लोगों ने रखने हैं तो इन तीन सब्जेक्ट्स को रखने के बाद आप लोग बी एस मैथ बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और आप लोग बी एस मैथ करने के बाद मैथ के प्रोफेसर भी बन सकते